तो जनाब वेलकम बैक हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत। आज है लेक्चर नंबर 20 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में कि CSS में ओपेसिटी कैसे हम लोग लगा सकते हैं और कितनी लगा सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम लोग समझते हैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी के बारे में और ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आपने मेरा कलर वाला टॉपिक पढ़ा है, कलर वाला लेक्चर पढ़ा, तो उसमें मैंने एक आपको अल्फा नाम की प्रॉपर्टी बताई थी। तो अल्फा में होता क्या था कि हम लोग कलर को ट्रांसपेरेंट बनाते थे कि 0 से लेके 1 के बीच में हम लोग को वैल्यू देनी होती थी, जैसे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और उसके बाद में 1 तक जाती थी। 1 मतलब बिल्कुल हार्ड, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं रहता था और 0 मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल दिखता नहीं था। सेम वही चीज़ ओपेसिटी प्रॉपर्टी भी करती है। पर ओपेसिटी क्या करती है, ये कलर को तो करती है, पर्टिकुलर किसी टैग को ट्रांसपेरेंट बना सकती है, किसी भी टैग को। चलिए मैं यहाँ पे आपको दो टैग दिखाता हूँ। पहले आपको एक डिव टैग दिखाऊंगा और एक इमेज टैग दिखाऊंगा उसमें इमेज लगाकर, ठीक है। तो डिव में हम लोग एक आईडी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने बनाई एक आईडी और आईडी का नाम देंगे डिव बॉक्स, ठीक। और यहाँ पे एक इमेज लगा लेते हैं, इंटर मारेंगे, इमेज लगाया, इमेज मेरे पास पड़ी है, लगा लेते हैं। सबसे पहले इमेजेस फोल्डर का नाम /css.png और इसका साइज भी यहीं दे लेते हैं, ठीक है। CSS में हम लोग सिर्फ उसका ओपेसिटी को समझेंगे। यहाँ पे विथ दे देते हैं 800 पिक्सल, ठीक है, ओके। अब आते हैं CSS में, CSS में करना क्या है। सबसे पहले ये जो हम लोग यहाँ पे आईडी बनाई है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा डिजाइन, फिर आपको दिखाते हैं ओपेसिटी प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो कुछ नहीं, डिव बॉक्स नाम से हम लोग ने जो आईडी बनाई है, सबसे पहले हैश लगाना होता है, फिर डिव बॉक्स जो आईडी है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद में सबसे पहले इसको हम लोग एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मान लो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ब्लू, तो ब्लू देने के बाद में यहाँ से वी हटा देता हूँ, ओके। और हाइट विड्थ भी दे देते हैं लगे हाथ, हाइट कितनी देंगे, हाइट 300 पिक्सल, ओके। और विड्थ 500 पिक्सल, तो विड्थ भी दे देते हैं लगे हाथ, विड्थ हो गई आपकी 500 पिक्सल्स, ठीक, इतना हो गया। इतना होने के बाद में अभी आपको मैं दिखाऊं इसको रन करके, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं index.html से, ओके रन हो जाऊं, ठीक है। तो ये रन हो गया है पर दोनों के बीच में ठीक गैप भी आ रहा है, थोड़ा मार्जिन दे देते हैं इस वाली को। मार्जिन इसलिए देंगे कि इमेज के बीच में गैप नहीं है, आपको गैप दिख रहा होगा क्योंकि इमेज ही वाइट कलर की है, ठीक है। तो मार्जिन देंगे बॉटम से, कितना देंगे, मान लो 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी देखो ये जो ऊपर कलर आ रहा है, ठीक है, ये कलर पूरी तरीके अभी हार्ड है क्योंकि अब इसकी वैल्यू जो है ओपेसिटी की, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ओपेसिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, मैंने ओपेसिटी लगाया और अभी मैं यहाँ पे देंगा वैल्यू 1, ठीक है। तो 1 मतलब फुल, बिल्कुल हार्ड, तनको ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा ये, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, इतना ट्रांसपेरेंट कि दिखेगा नहीं। ये यहाँ पर है पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे 0.5 कर दिया तो मतलब आधा, एक का आधा 0.5, तो देखो ये इतना मतलब वाइट में ये छिपा हुआ है पर आधा दिख रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे यहाँ वैल्यू बढ़ाएंगे, चलिए मैं लाइव इसको बढ़ाकर दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ साइड में, इसको खोल लेता हूँ उधर, ठीक है। अब 0.5 से मैंने जैसे कहा 0.6, तो देखना इतना हुआ फ़र्क, ठीक है। फिर मैंने कहा 0.7, तो ये देखो थोड़ा फ़र्क बढ़ा। फिर मैंने कहा 0.8, तो देखो थोड़ा और गाढ़ा हुआ। फिर मैंने कहा 0.9, और देखो ठीक है, अब डायरेक्ट 1 होता है 0.9 के बाद, ठीक है। अगर मैं यहीं पे 0.2 कर दूं, तो देखो बिल्कुल हल्का ट्रांसपेरेंट। 0.3 कर दूं, तो देखो थोड़ा उससे गाढ़ा, ये 0.4 उससे गाढ़ा, ठीक है। पर अभी ये इमेज में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज पे ये हम लोग कुछ भी अभी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग img टैग को सिलेक्ट करते हैं, img टैग, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे ओपेसिटी देते हैं, मान लो इसको फुल स्क्रीन पे करेंगे तब मज़ा आएगा, ठीक है। अब इमेज पे आप देखना, यहाँ आते हैं, ओपेसिटी दिया हमने मान लो 0.7, ठीक है। अब आप देखना जो ये हमारी इमेज है ये बिल्कुल हल्की हल्की सी दिख रही है क्योंकि 0.7 है। अगर 0.7 से भी हम लोग कम कर दें इसको, तो देखना ये और भी हार्ड, और भी लो हो जाएगा, और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मान लो 0.5 करेंगे तो ये और भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर मैं इसी चीज़ को 0.3 पे लेके जाऊं,
तो ये बिल्कुल और भी ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, ये 0.9 है तो ये काफ़ी डार्क दिख रहा है, मैं यहाँ कर देता हूँ 0.5, ठीक। अभी ये देखो ये जो इमेज है ये देखो इतना ट्रांसपेरेंट दिख रही है, पर यहाँ पर अब एक मज़ेदार चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे इमेज टैग है, मैंने आपको एंकर टैग में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी होवर नाम से, ठीक है, तो उसको कॉलन लगाएंगे, एक सेकंड लेना, कॉलन होवर, ठीक है। होवर लगाने के बाद अब आप देखना, अभी देखो ये इमेज जो है इसको मैं रन करता हूँ, तो ये देखो इमेज पूरी अपनी सो जितना इसका कलर था उतना ही आ रही है पूरा हार्ड में, ठीक है, बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जबकि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है ओपेसिटी 0.5, ठीक है। पर ये क्यों पूरी आ रही है, क्योंकि होवर लगा हुआ है। अब आप थोड़ा अगर गेस करें कि होवर से क्या होता था, होवर से होता ये था जब हम कर्सर ले जाकर इसके ऊपर फिराते थे तब इसका इफेक्ट चालू होता था। वही चीज़ देखो, जब मैं कर्सर, ये मेरा कर्सर अभी देखो यहाँ पर है, और मैं कर्सर यहाँ पे लेके गया, अब देखो ये 0.5 ओपेसिटी का हो गया, जैसे हटाएंगे फिर ये ब्लैक हो गया, फिर ये हुआ फिर हट गया, फिर ये हुआ फिर हट गया। तो इस तरीके से आप होवर इफेक्ट लगा सकते हैं। होवर इफेक्ट से क्या होता है कि आप मतलब मान लीजिए कहीं पे आप हिडन करना चाहते हैं कोई चीज़, तो जैसे ही कोई कर्सर लेके जाएगा वो चीज़ हिडन हो जाएगी। इसको अगर मैं और थोड़ा सा कर दूँ, जैसे अभी 0.5 है, मैं कर दूँ 0.1, ठीक है, तो आप देखना, आप अभी तो देखो, एक सेकंड मैं इसको खोल लेता हूँ, पूरा हार्ड दिख रहा है, पर जैसे यूज़र कर्सर ले जाएगा बिल्कुल ये हिडन जैसा हो जाएगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी 0 कर दूँ तो ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। देखना, ये चीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, 0.0 कर देंगे तो देखो यहाँ पर जैसे कर्सर लेगा ये गायब हो गया, ये हटाया ये आ गया, ये गायब हो गया ये आ गया। तो ये इमेजिन मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल मैजिक हो रहा है, और आप CSS से मैजिक कर भी सकते हैं, जो कि आज मैंने आपको करके दिखाया है, पूरे पूरे टैग को गायब कर दिया। देखो अब ये इमेज टैग ही तो है, आप खुद सोचो कि ये जो मैंने HTML के अंदर इमेज लगाया हुआ ये इमेज टैग है, इसी से तो ये इमेज शो हो रही है, ठीक है। पर विथ हमने यहाँ पे क्यों दिया, क्वेश्चन ये उठता है, विथ हम लोग ने इसलिए यहाँ पे दिया क्योंकि अगर आप होवर इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पे तो आपको विथ फिर HTML में ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी विथ भी फिर उसी तरीके काम करेगी, जब आप होवर करेंगे तभी वो 800 पिक्सल का होगा, नहीं तो अपने फुल साइज में आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे विथ दे दिया था, थोड़ा चालाकी की थी। और अब देख रहे हो ना, जादू है कि पूरा पूरा ये टैग है जो कि अभी HTML के अंदर शो हो रहा है, और यूजर जैसे कर्सर लेके गया गायब, आया गया आया गया, ठीक है। तो ये था ओपेसिटी प्रॉपर्टी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मजे कर सकते हो, दोस्त के साथ जादू कर सकते हो, आप अपनी कोई वेबसाइट बनाओ और उसमें कोई पर्टिकुलर बटन पे ओपेसिटी को ऐसे लगा दो होवर इफेक्ट से, ठीक है, वो जितनी बार क्लिक करने जाएगा गायब हो जाएगा, तो भाई तुम वेबसाइट चला नहीं पा रहे हो, तुमको भी चलाना आता नहीं है। तो इस तरीके मजे ले सकते हो आप अपने दोस्त के। ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, कमेंट में बताना ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है CSS का, क्या आप कंटिन्यूस कोर्स को देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कुछ नोट्स जो मैंने बनाए तो उनको भी रीड करें, अपने भी कुछ नोट्स बनाते चले, पॉइंट लिख लिया करें, जो जो प्रॉपर्टी मैं बताता हूँ उनका मतलब लिख लिया करें किसी पन्ने या कॉपी में, तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। और थोड़ा सा कुछ लोग कह रहे हैं जावास्क्रिप्ट का भी कोर्स भाई लेकर आइए, तो उसके लिए मैं बताऊं कि देखो जावास्क्रिप्ट से पहले मैं सोच रहा हूं सी लैंग्वेज लेकर आऊं, जिससे सी से क्या आपके कॉन्सेप्ट थोड़े मजबूत हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट मजबूत होने से क्या है आपको प्रोग्रामिंग का बेसिक मजबूत हो जाएगा, और बेसिक मजबूत हो गया तो जावास्क्रिप्ट तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, क्योंकि सी समझ गए तो जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी, और फिर आगे की जो भी मैं मान लो जावा सिखाता हूं या पाइथन सिखाता हूं या C++ सिखाता हूं उसके लिए भी आपका रोड मैप खुल जाएगा। तो कुल मिला के आपको करना ये, आप मेरे ऊपर भरोसा रखो कि मैं आपको जो भी चीज डिलीवर कर रहा हूं यहां से बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग के साथ कर रहा हूं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आ जाती हैं, वो वीडियो आने से पहले काफी रिसर्च होता है, काफी मेरा माइंड लगता है, और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ही चीजें चल रही हैं कि मुझे कैसे कैसे आप लोगों को लेकर जाना है जिससे आप कंप्लीट चीजें सीख सकें। आप मेरे पे भरोसा रखें, बाकी रिजल्ट्स मैं आपको लाकर दूंगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था, अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी, और अगर एक लाइक करेंगे तो थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।